भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल भक्ति भजन सागर। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वो मनुष्य धन्य है। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वो अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वो धन धाने से रहित होकर भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वो पति सुख से वंचित होकर नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहिए, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करते, वो उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वो पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करिए। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहिए मेरा विवाह कर दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वो कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वो रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? कृपा करके मुझे बताइए।
ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। सुनो, तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का रोग दूर करिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का रोग दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति रोग से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर कांतिवान हो गया। वो ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है, आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत के करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वो इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, ये इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ये सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, ये देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। नवरात्र व्रत की विधि। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर मंदिर में या घर पर ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके ये कथा करनी चाहिए। कन्याओं के लिए ये व्रत विशेष लाभदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 9 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र व्रत की शुरुआत प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना से की जाती है। नवरात्र के 9 दिन प्रातः, मध्याह्न और संध्या के समय भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा अनुसार अष्टमी या नवमी के दिन हवन और कुमारी पूजा कर भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। ये मेरी दासी है, ये समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वो स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता या अधिकता हो गई है उसे क्षमा करिए तथा प्रसन्न होइए।